तो गाइस ये है बेबी डायपर। तो गाइस जब बेबी सुसु करता है तो गाइस जो बेबी का सुसु है इस डायपर में रुक जाता है। तो गाइस ऐसा क्यों होता है, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इसी का पता लगाने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी और मस्त मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास है बेबी डायपर। तो गाइस सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर जो होता है उस चीज को पहले निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमने डायपर का अंदर का जो चीज होता है उसको हमने निकाल लिया है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और सब जो साइड में रखते हैं। तो गाइस यहाँ पर लेते हैं वाटर यानी कि पानी अब लेते हैं और फिर इसमें डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अब जो पानी इसमें डालते हैं, तो गाइस अब जो मैं पानी डालता हूँ इसमें, तो गाइस यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, इतना काफी रहेगा। और भाई ये देखो, और गाइस वाटर कहाँ गया, पानी देखो गाइस गायब हो गया। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो पानी वो कहाँ गया भाई, मैं इतना सारा पानी डाला। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो गाइस मैंने इतना सारा पानी इसमें डाल दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप लोग देखो, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारा वाटर है वो देखो कहाँ गया। देखो भाई साहब ये देखो कुछ इस तरीके से इसमें हमको दिख रहा है कुछ लिक्विड जैसा। और भाई साहब बहुत देखने में बहुत अच्छा है ये। तो गाइस मैंने और पानी डाल दिया है। तो गाइस यहाँ पर जो ये जो बेबी डायपर के अंदर से निकला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो क्या है, ये जो है कितना अच्छा सा एक चीज निकल कर आया यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। गाइस कुछ इस तरीके से उसको टच करने में बहुत मजा आ रहा है, उसको छूने में जो है। और गाइस ये जो एक बेबी डायपर के अंदर से निकला है इतना ज़्यादा जो पूरा जो थाली आधी भर चुकी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। और जो वाटर है पानी है वो जो पूरा इसमें नहीं है, वो जो है गायब हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिया कि बेबी डायपर के अंदर से क्या निकला है। तो गाइस ये है सोडियम पॉली एक्रिलेट। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पर हमारे पास है, ये जो है सोडियम पॉली एक्रिलेट जो कि बेबी डायपर के अंदर से निकला है। और ये जो है सुपर एब्जॉर्बमेंट होता है, जो सुपर एब्जॉर्बमेंट होता है तो गाइस ये जो पानी को बहुत तेज एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो गाइस यहाँ पर जो पानी था हमारे पास वो जो है सोडियम पॉली एक्रिलेट ने एब्जॉर्ब कर लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भाई कुछ गजब सारी चीज़ हम निकल के आया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और एक बेबी डायपर के अंदर कुछ इतना निकला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और पानी में थोड़ा और डालता हूँ, सारा मैंने पानी डाल दिया, पूरा हमने आधा भरा हुआ था। और देखते हैं क्या इतना सारा पानी है जो एब्जॉर्ब कर पाता है या फिर नहीं। तो गाइस मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है, बट गाइस थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपने देख लिया, तो गाइस ये है सोडियम पॉली एक्रिलेट जो कि ये सुपर एब्जॉर्बमेंट होता है, ये जो सुपर एब्जॉर्बमेंट होता है पानी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो गाइस बेबी डायपर के अंदर कुछ इस तरीके से ये काम करता है, जब बेबी सुसु करते हैं तो गाइस ये जो बेबी का सुसु है ये जो एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो है सोडियम पॉली एक्रिलेट जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपने देख लिया और हमने भी देख लिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको मजा आया होगा और कुछ नया देखने को मिला होगा। तो इसी बात पे लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।